हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल बबल चैनल। और पिछले लेक्चर में हमने अगरू की बात करी थी। इस लेक्चर में एक लॉन्ग प्लांट, इम्पोर्टेंट लॉन्ग प्लांट की बात कर रहे हैं, जो कि अपामार्ग है। ठीक है, तो अपामार्ग का आपके सामने स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, इस तरीके से अपामार्ग देखने में होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी लीव्स और इस तरीके से इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं दिख रही हैं आपके सामने, तो ये आपका अपामार्ग इस तरीके से हो जाता है। फिर दूसरी पिक्चर देख लेते हैं, ये कुछ आपको इसकी स्टेम के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, आप बढ़िया कितना देखिए फ़ोटो है, तो उसकी स्टेम देखिए, थोड़े से फाइबर्स उसके स्टेम पे हल्के से फाइबर्स टाइप के निकल रहे हैं, तो ये इसकी स्टेम है और ये इसकी लीव्स हैं, ट्राईफोलिएट लीव्स है दिख रही है। और इसके बाद हम इसका ये एक डायग्राम दे रखा है जो कि फ्रूट दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अब और भी देख लेते हैं, ये फ्रूट ही दिखाया है, तो ये आपका अपामार्ग हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि इसका संस्कृत नाम क्या होता है। तो संस्कृत नाम नॉर्मली इसका अपामार्ग है। ठीक है, लैटिन नेम इसका है एकायरेंथस एस्पेरा। ठीक है, एकायरेंथस एस्पेरा इसका लैटिन नेम है। अब एकायरेंथस एस्पेरा क्यों लिया गया है, क्योंकि एकायरेंथस एकेंथिस से रिलेटेड है और इसका मतलब होता है थॉर्न। इस पे आप देखेंगे तो कांटे होते हैं, तो इस वजह से एकायरेंथिस एकेंथिस का मतलब थॉर्न हो जाता है। फिर एस्पेरा की बात करते हैं, तो एस्पेरा का मतलब होता है रफ़, तो इसमें जो थॉर्न होते हैं वो काफ़ी रफ़ होते हैं। ठीक है ना, और हार्ड पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम एकायरेंथिस एस्पेरा लिन पड़ा। अब ये लिन क्या होता है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे जानते भी होंगे कि व्हाट इज़ द लिन। लिन इज़ द कैरोलस लीनियस विच इज़ अ साइंटिस्ट और वी कैन से डिस्कवरर, जिसने नाम दिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली एमरेंथेसी है। आपको जो भी सेकंड ईयर में है वो आप दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो बॉटनिकल नेम। ठीक है, बॉटनिकल नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा उसकी फैमिली। ये जो दो चीज़ तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें, सबसे पहले ये काम कर लें। ठीक है, फिर इसका वर्नेकुलर मतलब इंग्लिश, गुजराती, हिंदी क्या क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको अगर हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रिकली चैफ ट्री। ठीक है, गुजराती में इसको बोलते हैं अधीड़ो, और हिंदी में इसको चिरचिरा बोलते हैं, चिरचिटा भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको चिरचिटा भी बोलते हैं, बिकॉज़ इसके जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो आपकी जो भी क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, या फिर हैंड या फिर आपके पैर वगैरह से लग जाता है, तो इसलिए इसको चिरचिटा बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आपको तीन ही पढ़ने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपके कौन से हो गए, चरक हो गया। चरक में आपने देखा है तो सिरोविरेचनोपग है, मतलब सिरोविरेचन के लिए आपने कहा है। ये चरक अध्याय में भी अपामार्ग तंडुलीय अध्याय नाम से इसका एक मिलेगा आपको। क्रिमिग्न है, मतलब जो आपके वॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो वॉर्म के जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको मारता है। और वमनोपग है, मतलब वमन को भी कराता है, दैट मीन्स आपकी जो भी एमेंसिस और वोमिटिंग वगैरह जो भी पंचकर्मा की है उनको भी कराता है। सुश्रुत की बात करते हैं, तो अर्कादी वर्ग में रखा है और बागभट ने भी अर्कादी वर्ग में रखा है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंशियल क्लासिफिकेशन, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेंगे। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप सिर्फ चरक का भी यहाँ पर लिख के आएंगे तब भी वो बहुत ही ठीक है आपके लिए। फिर सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, दो चार सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट की डिस्कस करेंगे, और हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट ही दिए हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम सबसे पहले अपामार्ग ही क्यों पड़ा। तो अपामार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि ये विटिएट दोसा जो भी हैं, ठीक है, बड़े हुए दोसा जो भी हैं उनको रिमूव करता है स्रोतस से और रिलीव करता है डिसीज से। ठीक है ना, जो भी दोसा बढ़ गए हैं, जो भी त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, वो जब बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, लाइक वात, पित्त और कफ अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, तो उनको ये क्या है, शमन करता है, कम करता है और श्रोतस का शोधन करता है, इसलिए इसका नाम अपामार्ग पड़ा। दूसरी बात हम करते हैं, इसका नाम है शिखरी। ये आपने देखा है शिखरी इसका दूसरा नाम है। क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें लिखा है कि फ्लावर्स एंड फ्रूट आर बॉर्न ऑन द टॉप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो शिखर का मतलब क्या होता है, चोटी या पहाड़, है ना।
तो जैसे चोटिया पहाड़ का शिखर सबसे ऊंची टॉप होता है, ठीक है ना। तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके, आपने देखा कि इसके फ्लावर्स और जो फ्रूट होते हैं वो इसकी जो टॉप ऑफ इन्फ्लुएंस है, ऊपर सबसे ऊपर जो है पैदा होते हैं, ऊपर सबसे निकलते हैं। देखो आप देख भी रहे हैं इसमें, देखो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसमें, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका पूरा का पूरा क्या है, फ्लावर और फ्रूटिंग है। बाकी का प्लांट नीचे है बल्कि फ्लावरिंग आपकी ऊपर हो रही है, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, सिखरी, ठीक है। तो इसको भी आपने यहाँ पर देख लिया। चलिए इसके बाद हम दूसरा पढ़ लेते हैं इसका। तो दूसरा इसको हम और भी, जैसे किनाही नाम हो गया, करमंजरी हो गया, है ना, अघात हो गया, इन सब का भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ सकते हैं कि इसमें इसका नाम क्यों पड़ा है। वैसे शिखरी और अपामार्ग और किनाही और करमंजरी, ये जो जो दो से तीन जो है नाम इम्पोर्टेंट हैं। किनाही नाम इसलिए क्योंकि ये वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, और खरमंजरी जो रखा है, सॉरी करमंजरी नहीं है, खरमंजरी है, इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्फ्लुएंसेंस आर रफ़ टू टच। जो इसका इन्फ्लुएंसेंस है वो काफ़ी खर है। खर मतलब जो इसकी मंजरी है, मंजरी मतलब जो इसकी मंजरी मतलब फ्रूट है, वो मंजरी की भाषा इस तरीके से मंजरी है, ठीक है ना, ये आपको दिख रही है मंजरी है ये फ्रूट। तो इसकी मंजरी को आप टच करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये रफ़ है, खर है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसका जो नाम पड़ा वो खर मंजरी पड़ा। ऑल राइट, अब ये भी आपको समझ में आ गया है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आगे। अब अघात है एक नाम कि इट ग्रोज़ इन अबंडेंस ज़्यादा है, तो ये तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि किसके वजह से है यहाँ पर दे रखा है। तो बात करते हैं हैबिटेट की, कहाँ पर ये ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाता है, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। कुछ ही ऐसे प्लांट होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं, तो अपामार्ग उनमें से एक है जो ऑल ओवर इंडिया मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो इसकी आकार की जो बाहर की देखने की संरचना है वो किस तरीके से है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ स्टिफ़ इरेक्ट हर्ब, इरेक्ट मतलब हर्ब है, पहले तो हर्ब है, और इरेक्ट हर्ब है, इरेक्ट मतलब इस तरीके से जाता है ऊपर, ठीक है ना, इरेक्ट हर्ब है। और लगभग 30 से 90 यानी 30 to 19 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है, हर्ब की हाइट इतनी ही होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसलिए इसे हर्ब बोला गया है। ब्रांचेज इसकी स्प्रेडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलती हैं, थिक हैं एट एंड, जो एंड है उस पर ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स स्मॉल हैं, अपोजिट हैं, ठीक है, वॉल्वेटी हैं, ठीक है, और इनका साइज़ आपको डायमेंशंस इस तरीके से दे रखे हैं, 3.8 to 12.5 सेंटीमीटर एंड 5.1 to 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ और आपकी क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, ठीक है ना, सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द लीव्स आर वाइटिस ऑन डॉर्सल साइड। अगर आप डॉर्सल और वेंट्रल आप जानती होंगे, तो आप डॉर्सल साइड अगर उसके पीछे की साइड जब देखते हैं तो लीव्स आपको वाइटिस कलर के दिखाई देते हैं। फिर देखिए इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, ठीक है, तो ग्रीनिश वाइट होते हैं, अरेंज्ड इन द लॉन्ग स्पाइक, एक मंजरी में रहते हैं और इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इस तरीके से, एक मंजरी में उल्टा इस तरीके से इन्वर्टेड रहते हैं, इसीलिए इसका नाम अपामार्ग भी पड़ा, ठीक है। अब देखिए फ्लावर इन विंटर एंड फ्रूटिंग इन समर, जो इसकी फ्लावरिंग होती है वो कब होती है, विंटर में, और फ्रूटिंग कब होती है, समर में होती है, ये भी आपने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट किस कौन सा यूज होता है इसका, तो पार्ट मतलब प्रयोज्यांग, ये आपको हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि इसके कौन से अंग प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रयोज्यांग, ठीक है, तो प्रयोज्यांग मतलब कौन से अंगों को हम यूज़ करते हैं मेडिसिन फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, तो उसमें रूट यानी कि उसकी मूल, सीड मतलब उसके बीज, लीफ मतलब पत्तियाँ, और वोल प्लांट मतलब पूरा प्लांट, और सार मतलब क्षार जो होता है, ठीक है ना, सार लिखा है, क्षार आपने पढ़ा होगा, एल्कली जो बनाते हैं सार सूत्र वगैरह वो भी आपने शायद अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा, और यहाँ भी आप पढ़ेंगे भेषज कल्पना में क्षार कल्पना के अंतर्गत। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रसपंचक की, तो रसपंचक जो होता है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए इम्पोर्टेंट, बाकी इसकी ट्रिक्स भी होती है, मैं बताऊंगा ट्रिक्स भी, पर आपको इस तरीके से भी याद करना है एक बार पढ़ते टाइम कि इसका जो रस होता है वो क्या है, कटु तिक्त है, गुण इसका क्या है, लघु रूक्ष और तीक्ष्ण है, ठीक है,
और वीर इसका उष्ण है और विपाक इसका कटु है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। ये रसपंचक और इसका प्रयोज्यांग और इसका बॉटनिकल नेम और इसका फैमिली, ये चीज़ें तो आपके ऑन टिप ऑन टंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। तो इसकी एज सच कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। कर्म देख लेते हैं, तो कर्म क्या है इसका, कफ वात हर है। दैट मीन्स कफ और बात जो दो दोष हैं उनको वो हरता है या फिर कम करता है। फिर इसमें क्या है, सिरोविरेचन है, मतलब सिरोविरेचन का मतलब ये जो सिरो रोग होते हैं ज़्यादातर उनमें यूज़ किया जाता है कि उसका विरेचन कराने में, उसका जो बाहर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकालने के टाइम पर हम इसका यूज़ करते हैं। दीपन पाचन है, इसके जो फॉर्मुलेशन है दीपन पाचन है, ठीक है। मेद हर है, मतलब मेद जो धातु है उसको हरता है। सारक है, मतलब मल का सारक है या फिर चीज़ों को निकालता है। रोचक है, छर्दी निग्रहण है, ठीक है। छर्दी मतलब क्या होती है, वोमिटिंग, उसका निग्रहण करता है। मेद्य है, मेद्य मतलब एक होता है मेद्य और एक होता है मद्य। तो मद्य जो होता है वो किसके लिए होता है, वो यूज़ होता है आपका एल्कोहल्स के लिए। कल मेद्य जो होता है ब्रेन की ब्रेन के टॉनिक्स के लिए यूज़ होता है। हृदय है, हृदय के लिए यूज़ होता है। अर्स रोग, अर्स मतलब जो भी आपके अर्स होते हैं फिसर फिस्टुला, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर इसमें कंडुग्न है, जो आपकी कंडू मतलब खुजली जो होती है, ईचिंग जो होती है, उसके लिए भी हरता है। सूलग्न है, जो आपका पेन है उसको भी हरता है। और वर्ण रोपण है, यानी जो वर्ण है आपका उसको रोपण, वर्ण रोपण, वर्ण मतलब क्या होता है, घाव जितना भी है उनको भी ये फिल करता है। त्वचा मतलब आपका जो जो त्वचा है, जबकि स्किन है उसके डिसऑर्डर, उनके डिसऑर्डर के लिए अच्छा है। विषग्न है, जो विष है उसके लिए भी हरता है। और अस्मरी नाशक है, जो आपकी अस्मरी होती हैं यानी जितनी भी स्टोन्स होती हैं उनको भी नाश करता है, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे इसके कर्म हैं, तो आप इनको याद करिएगा, ये आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये द्रव्यगुण आपका एक बढ़िया फार्माकोलॉजी है आयुर्वेदिक टैक्सोलॉजी की, इसको आप याद करते चलिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट। चलिए आगे इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस में जो है हम देख लेते हैं कि कब कब इंडिकेशंस, मतलब इसका हम कब कब इंडिकेट करेंगे, कब कब देंगे। तो छर्दी में, छर्दी वोमिटिंग, हृदय रोग में, हृदय रोग मतलब जो जितने भी कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर, ओके, छर्दी, हृदय रोग और आद्यमान में, आद्यमान और आटोप ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टमक डिसऑर्डर होते हैं। कंडू, कंडू होता है आपका इचिंग। शूल आपका दर्द हो गया। उदर, उदार हो गया। अपची, अपची आपका जितने भी अपच मतलब इंडाइजेशन हो गया। रक्त, रक्तार्श मतलब, रक्तार्श मतलब अर्स का एक टाइप है, ठीक है। अर्श जो होता है उसका एक टाइप है रक्तार्श, जिसमें ब्लीडिंग होती है उसके अर्श में। विसूचिका, कृमि, सिद्म, सद्यो वर्ण और मूत्रकृक्ष, ठीक है। मूत्रकृक्ष जो है आप देखेंगे इसमें, मूत्रकृक्ष में भी ये यूरिनरी डिसऑर्डर है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। ये आप सारे के सारे डिसऑर्डर्स कहाँ पड़ेंगे, रोग निदान के अंदर, ठीक है। तो अगर हम एक एक डिसऑर्डर को अगर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस में इसका हम इंडिकेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सटर्नल यूज़ की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल यूज़ में हम क्या देख लेते हैं कि एक्सटर्नल यूज़ में इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एनाल्जेसिक दर्द में यूज़ कर सकते हैं। एंटीडोट बना सकते हैं। एंटीसेप्टिक, नेजल डेक्नोक्सेंट का यूज़ कर सकते हैं। क्रस्ट लीव्स आर अप्लाइड ऑन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, ठीक है। इसकी क्रस्ट लीव जो होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अंजन इज़ अप्लाइड इन द ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर, इसके द्वारा जो अंजन बनाया जाता है, ठीक है, काजल जिसे बोलते हैं, अंजन एक तरीके का अच्छा होता है जो ऑप्थाल्मिक आई के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जूस जो होता है, जो इसका रस होता है, उसके लिए हम वुंड जितने भी घाव होते हैं उन पर यूज़ करते हैं। द लीव्स आर क्रश्ड एंड अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग्स। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बोला भी था इन्होंने कि एंटीडोट की तरह यूज़ किया जाता है, फिर यहाँ पर इन्होंने फिर से बोला कि जो इसकी लीव्स हैं, इसकी जो पत्तियाँ हैं, उनको क्रस पीस कर और आप स्कॉर्पियन ने जहाँ पर जो बिच्छू है उसने काटा है वहाँ पर अगर आप लगाते हैं तो वो इसका एंटीडोट की तरह काम करता है। ऑयल प्रोसेस्ड इन अपामार्क सार इज़ यूज्ड इन ईयर एक, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया जो होता है, देखिए ओटाइटिस मीडिया आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है,
ये कॉम्प्लिकेशन भी होता है बहुत सारी डिसऑर्डर्स का। तो इसका जो ऑयल प्रोसेस किया हुआ पमार्क सार का, उसको हम ईयर एक में यूज़ करते हैं। अ फाइन पाउडर ऑफ सीड इज़ यूज फॉर द प्रद्युम्न नस्य, ठीक है, नस्य के टाइप है ये एक। तो इसका जो फाइन पाउडर है वो प्रद्युम्न नस में करते हैं। वेयर दिस पाउडर इज़ ब्लोन थ्रू द स्मॉल ट्यूब इन टू द नोज़, ठीक है। हम जो प्रद्युम्न नस का किस तरीके से करते हैं कि इसका जो पाउडर है वो एक ट्यूब के द्वारा नोज़ में इंसर्ट कर दिया जाता है या फिर उसको फूंक दिया जाता है। दिस रिड्यूसेस हैवीनेस इन द हेड इंस्टेंटली, और ये क्या करता है, जो गुरुता हमारे इस मस्तिष्क में गुरुता आ रही है, जो हमारे ब्रेन के अंदर या फिर जो हेड के अंदर हैवीनेस आ रहा है उसको इंस्टेंटली ख़त्म करता है। द शार्ट दैट मीन्स शार आर यूज इन मोल्स एंड फिस्टूला। मैंने बताया भी था कि जो इस तरीके से फिस्टूला फिसर होता है इसमें सार सूत्र बांध देते हैं और वो कट जाता है, ठीक है ना। तो फिसर एंड सॉरी मोल्स एंड फिस्टूला में इसका क्या है हम यूज़ करते हैं। क्रस्ट सीड आर अप्लाइड लोकली इन ब्लीडिंग पाइल्स, ठीक है। जो इसके क्रस्ट सीड है तो रक्तासार में हमने यूज़ किया था, बता रहे थे ना ऊपर, रक्तासार। रक्तासार का मतलब समझ रहे हैं ना, रक्त और रक्तार्श हो गए। तो रक्तार्श में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रक्त प्लस अर्श, तो रक्त मतलब क्या हो गया ब्लड और अर्श मतलब फिस्टूला। तो जो ब्लीडिंग फिस्टूला है या ब्लीडिंग पाइल्स हैं उसमें इसके सीड को क्रश करके लगाया जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं, जूस बींग होम्योस्टैटिक स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड। तो जूस कैसा है, इसका होम्योस्टैटिक है और ब्लीडिंग जो हो रही है उसको ये वुंड से करता है। तो एक तरीके से ये एंटी कोगुलेंट के भी वर्क यहाँ पर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनल यूज़ में बात कर लेते हैं। तो अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग यूज़ करेगा ये। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, देन सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, स्किन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेम्परेचर, फिर इसके बाद स्रोतोगामित्व की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या वर्क करता है। तो अपामार्ग का जितना भी फॉर्मुलेशंस होती हैं वो सारी फॉर्मुलेशंस अपामार्ग की किस पर यूज़ होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पर किस तरीके से यूज़ होती हैं, एज अ कार्मिनेटिव, ठीक है, एपेटाइज़र, भूख को बढ़ाता है, एंटासिड की तरह यूज़ होता है। क्यों एंटासिड समझ ही गए, क्योंकि इसका सार भी बनता है, इसका एल्कली बनता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंटी हेलमेंथिक, ये हमने देखा ही था कि हेलमेंथिक एंटी हेलमेंथिक इन नेचर है, जो भी वॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारने में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ गुड रेमेडी फॉर एक्सेसिव एपेटाइट, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एपेटाइट एक्सेसिव बढ़ गई है उसके लिए भी अच्छी रेमेडी है। इट इज़ यूज इन एमेसिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, एसाइटिस, पाइल्स, गॉल स्टोन, हेलमेंथियसिस एट्सेट्रा। ये सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के आपके रोग हैं एट्सेट्रा। इन एक्सेसिव एपेटाइट द सीड प्रोड्यूस्ड इन मिल्क एंड सुगर आर गिवन एज अ फूड, ठीक है। इसके जो अपामार्ग तंडोलिनी अध्याय के अंदर आप जब देखेंगे चरक संहिता के अंदर, तो उसमें बताया है कि मिल्क और शुगर के साथ इसके सीड्स का जो फूड बना के सप्लीमेंट की तरह देते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है काम करता है सप्लीमेंट। दिस प्रिपरेशन टेक टाइम टू डाइजेस्ट बट डज नॉट क्रिएट एनी डिसऑर्डर, लेकिन ये जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा टाइम लेगी डाइजेस्ट होने में, पर कोई डिसऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकती है। बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, दस इट्स पैसिफाइज हंगर एज वेल, इसलिए इसका पैसिफिकेशन करता है, उसको कम करता है हंगर को। भस्मक इज डिसीज वेयर देर इज अ वेरीसियस एपेटाइट, द सीड कुक्ड इन राइस दैट इज खिचड़ी आर गिवन इन भस्मक फॉर वन वीक, अपामार्ग खारा इज यूज इन एसाइटिस। देखिए ये भस्मक रोग जो है एक ना ऐसा रोग होता है जिसमें रोगी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है बार 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 बार, ठीक है। तो यानी क्या हो रखा है, होता है उसकी डाइजेस्टिव फायर इतनी स्ट्रांग हो रखी होती है कि वो बहुत जल्दी पाचन क्रिया करती है, डाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती है करती है। आज के टाइम पर ये एक सिंड्रोम की तरह यूज़ होता है, भस्मक रोग एक सिंड्रोम की तरह यूज़ होता है। तो इस डिसीज़ में क्या करते हैं, इसकी जो खिचड़ी है, इसकी राइस, इसके जो जो सीड्स अभी हमने दिखाए थे मंजरी में, उस सीड्स को निकाल के और शुगर और मिल्क के साथ एक खिचड़ी बना के जब देते हैं, तो ये एक वीक यानी एक सप्ताह के अंदर भस्मक रोग को शांत कर देता है। और अपामार का जो क्षार है वो एसाइटिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ अ ब्लड प्यूरिफायर,
ठीक है, ब्लड प्योरीफायर की तरह जितने भी ब्लड प्योरीफिकेशन प्योरीफायर्स आपकी मेडिसिंस होती हैं उसमें थोड़ा बहुत अपामार का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर मिली हुई होती है। इट इज़ ऑल्सो ए हेमेटेनिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है। इट इज़ यूज इन एनीमिया, जो आपका एनीमिया ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है उसके लिए यूज़ होता है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, एडिमा, स्क्रोफिला, अपामार खारा, बीन एल्कलाइन इन यूज इन एसिड पेप्टिक अल्सर सॉरी। तो क्षार है, ऑब्वियसली बात है एल्कली है, तो एल्कली आप एसिडिक जो पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर्स होते हैं एसिड के द्वारा उसके हम यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और ये यहाँ पर ये अच्छा काम करता है। बेहतरीन दवा इससे बनती हैं काफ़ी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसका पाउडर ऑफ रूट, ठीक है, देखो यहाँ पर इसलिए प्रयोज्यांग जरूर होता है क्योंकि हमें हर एक प्रयोज्यांग मतलब हर एक अंग के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ड्रग की, तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो यहाँ पर यूज़ हो रहा है पाउडर का रूट, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या किस में यूज़ होता है। तो पाउडर ऑफ रूट इज़ यूज इन ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फेक्शन इन द ब्रोंकाई अस्थमा एज द डेक्नोसेंट, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये इट इज़ अ डायूरेटिक एंड रिड्यूसेस एसिड पीएच ऑफ यूरिन, तो देखिए डायूरेटिक है और एसिडिक पीएच जब हो जाती है यूरिन की तो उसमें भी ये वर्क करता है। और इसका क्षार जो है वो रीनल कैलकुलाई दैट मीन्स रीनल स्टोन्स होते हैं और साइसिस्टिस होते हैं और नेफ्राइटिस, ये सारे के सारे सिस्टाइटिस है ये सॉरी और नेफ्राइटिस नेफ्रॉन की जितनी भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड, और रीनल कैलकुलाई जितनी भी जो आपकी किडनी की जितनी भी होती हैं स्टोन्स उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, स्किन पे इसका क्या महत्व है, स्किन पे इसका हम क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं अपामार की, तो इट इज़ अ डायफ्रियोटिक एंड येट एंटी प्रूराइटिक, ठीक है। ये प्रूराइटिक एक आप डिसऑर्डर पढ़ेंगे इसमें ईचिंग और वगैरह होती है, स्किन डिसऑर्डर है, तो ये उसको भी रोकने में काम करता है, ये आप रोग निदान में पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। इट इज़ यूज इन द डर्मेटोसिस, ठीक है, डर्मेटोसिस और मोल्स में भी इसका हम यूज़ करते हैं एंड अदर स्किन डिसऑर्डर, और अलग से और भी स्किन डिसऑर्डर्स में इसका हम यूज़ करते हैं। मोल्स फॉल ऑफ व्हेन टाइड विद सारसूत्र, देखो सारसूत्र के बारे में हम बता ही दिया है, सारसूत्र क्या होता है कि अपामार क्षार के अंदर 7 से 8 बार उसको एक धागे को बांध कर मतलब डुबो कर रख देते हैं और सुखा देते हैं, तो उससे क्या है एक धागा इस तरीके बनता है और उस पर एक लेप बन जाता है क्षार का, तो जब भी हम मोल वगैरह पर उसको बांध देते हैं टाइट करके तो वो इस अपनी एक कटिंग प्रॉपर्टी से उसको काट देता है और ये सही हो जाता है इससे। तो मोल्स फॉल्स ऑफ व्हेन टाइड विद द सारसूत्र ऑफ अपामार, इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग सारसूत्र फॉर ट्रीटिंग एनाल फिस्टूला, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका क्षार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िए आप, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए और हिट लाइक का हिट ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, अपामार हैज़ बीन यूज्ड फॉर पुंशवन विधि, ये पुंशवन विधि भी आप चरक में पढ़ेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको बताने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। पुंशवन विधि क्या होता है, भागवत शरीर 1/39 ये रेफरेंस दे रखा है कि पुंशवन विधि में कहाँ पर अपामार का वर्णन किया है, तो अपामार हैज़ बीन यूज्ड फॉर पुंशवन विधि इन भागवत शरीर 1:139 श्लोक। पंचांग ऑफ वाइट अपामार, अपामार की वैरायटीज़ होती हैं, स्पीसीज होती हैं अलग अलग, तो उसी में उसमें वाइट अपामार जो है इस क्रस्ट एंड टेकन इंटरनली इन पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में जो पंचांग है इसका वाइट अपामार का उसको क्रस करते हैं और इंटरनली उसको पुष्य नक्षत्र, एक नक्षत्र है ये, जिस तरीके से डेट टाइम चेंज होती है उस तरीके से नक्षत्र भी चेंज होते हैं, तो पुष्य नक्षत्र में जो है इसका जो अपामार्ग है इसके पंचांग मतलब रूट लीव्स स्टेम फ्लावर है ना, और इस तरीके से 5 जो अंग हैं, पंचांग मतलब 5 अंगों को क्रश करके हम ओरली इंटेक कर देते हैं उसको हम पंचांग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनली टेक करते हैं पुष्य नक्षत्र के अंदर, तो ये क्या करता है उस टाइम पे पुंसवन विधि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। अब हमारे रूट आर टाइड ऑन एब्डोमन फॉर इजी एंड सेफ डिलीवरी, देखिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि अगर सेफ डिलीवरी करानी है तो अपामार की रूट एब्डोमन के ऊपर जो है इजीली टाइट कर देते हैं, तो इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी डिलीवरी पर काफ़ी सेफ और आसानी से हो जाती है। चलिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ज्वर में
ठीक है। तो टेम्परेचर में देखिए, मलेरिया और टाइफाइड जो बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पर फीवर आता है, इनमें इन मलेरिया एंड टाइफाइड इट इज़ एडवाइज दैट अपामर रूट शुड बी टाइड ऑन आर्म। ठीक है, देखिए ये इसमें एक ऐसा माना जाता है, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि अगर आप अपनी आर्म में अगर अपामर की रूट को बांध लेते हैं मलेरिया टाइफाइड में, तो टेम्परेचर के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। दिस एक्शन इज शट ड्यू टू प्रभाव। ठीक है, ये इसके प्रभाव से होता है। तो प्रभाव का मतलब, जब सप्त पदार्थ आपने पढ़े होंगे द्रव्यगुण के फर्स्ट पेपर में, तो उस टाइम पे जब रस भी काम नहीं कर रहा, गुण भी, वीर विपाक भी काम नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे एक अलग से एक प्रॉपर्टी होती है ड्रग की जो काम करती है, उसको प्रभाव बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में इफेक्ट कहते हैं इसको हम नॉर्मली। तो ये इसके इफेक्ट की वजह से है। द नेजल इन्फ्लेशन ऑफ रूट रिड्यूसेस फीवर। ठीक है, अगर नेजल रूट से हम इसको इंसेफलेशंस करते हैं इसका, तो ये फीवर को रिड्यूस करती है। इट इज़ बिटर टॉनिक, ये बिटर होता है टेस्ट में। ब्लैक पेपर एंड अपामर रूट अलोंग विद वाटर आर गिवन टू ड्रिंक इन स्नेक पॉइजनिंग। अगर देखिए स्नेक पॉइजनिंग हो गई है आपको, तो अपामर की जो रूट है उसको ब्लैक पेपर के साथ, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च के साथ, अपामर की रूट का पानी के साथ अगर ड्रिंक करते हैं, तो वो स्नेक पॉइजनिंग में बेहतर सिद्ध होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स बता रहे हैं हम आपको। चलिए, स्रोतोगामित मतलब जो आपके स्रोतस होते हैं उसमें किस तरीके से गमन करता है, ठीक है, दोष पर क्या प्रभाव डालता है। तो स्रोतोगामित में सबसे पहले हम दोष पर बात करते हैं। तो दोष को एलिवेट्स कफ एंड बाथ, कफ और बाथ को कम करता है। धातु की बात करते हैं, यानी आपके एलिमेंटल स्टेट जो टिश्यू स्टेटस पर क्या करता है, मेदोग्न जो आपकी मेद धातु है उसको कम करता है। रक्तगामी, रक्त में गमत, रक्त में जाकर मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर और सारे टिश्यूज़ पर भी वर्क करता है। मल पे क्या काम करता है, पुरुष को, ठीक है, पुरुष पे काम करता है। यूजफुल फॉर एलिमिनेटिंग एक्सट्रूएट फ्रॉम नोज बाय नस, यूरिन, लिथो ट्रेस्पेक्ट। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें मल पे देखते हैं, तो आपने देखा था नस्य विरेचन वगैरह कराता है ये, तो पुरुष बाहर मतलब जितने भी पुरुष होते हैं उसको भी बाहर निकालता है, और अदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं बॉडी के अंदर, जैसे नस से, जैसे यूरिन से, और अदर जो सब्सटेंसेस हैं जिसको एक्सक्रीट कराने जाना चाहिए, उनको भी बाहर निकालता है। ऑर्गन्स पे कहाँ पर काम करता है ये, तो हार्ट, हेड और लिवर पर ये काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, थेरेपेटिक यूज़ की बात करते हैं। तो थेरेपेटिक यूज़ में आप देखिए, विसूचिका, द रूट ऑफ अपामर इज टेकन बाय द वाटर। ये भाप प्रकाश निघंटू ने बोला है कि जो रूट है अपामार की, वो पानी के साथ जब आप लेंगे विसूचिका में, तो वो काम करेगी। शिद्म में देखिए क्या करता है, सीड ऑफ मुल्का एंड फ्रेश जूस ऑफ अपामार आर मेड इनटू पेस्ट एंड अप्लाइड एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये सीड ऑफ मुल्क के सीड के साथ अगर आप अपामार के फ्रेश जूस को पेस्ट बनाकर अप्लाई करते हैं, तो वो आपके सिद्म में जो है काम करता है। फिर निद्रानाश, मतलब जो निद्रानाश अगर आपकी हो गई है इंसोमनिया, तो इसका डिकॉक्शन प्रिपेयर करके, काढ़ा बना के काकजंघा, अपामार्ग और कोकिलाक्ष के साथ इसका हम यूज़ करते हैं, सुपर्णिका के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ इसके क्या हो गए, थेरेपेटिक यूजेस हो गए। फिर इसकी फॉर्मुलेशंस, ये आपको सारी पेपर में लिखनी होती है। पेपर में एक्चुअली पूरी एक ड्रग भी 15 मार्क्स की या 10 मार्क्स की या 20 मार्क्स की अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है, तो पूरी ड्रग भी आ सकती है, 5 मार्क्स की एक ड्रग भी आ सकती है। बाकी ये हमारे जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। फिर अपामार का फॉर्मुलेशन देखते, तो अपामार का छार आता है, तेल आता है, शिखरी घृत आता है इसका, गोरोचनादि गुटका। ठीक है, गोरोचनादि गुटका मतलब गोरोचन पड़ी हुई होती है इसमें, और अपामार के भी इंग्रेडिएंट रहते हैं। फिर ज्योतिषमती ऑयल के अंदर भी ये रहता है। चलिए आगे बात करते हैं डोज की। तो डोज इसमें फ्रेश जूस की जो है वो 10 to 20 ml है, और छार की कितनी है, 0.5 to 2 ग्राम। देखो बहुत कम है, क्योंकि तीक्ष्ण छार होता है इसका। दो तीन तरीके के छार होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो उस तरीके से डिपेंड करता है छार का। वैसे नॉर्मल जो आपकी छार की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 0.5 to 2 ग्राम। अदर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अपामार का कहाँ कहाँ पर वर्णन हुआ है। अगर आपको अपने ज़्यादा नॉलेज लेनी है और आपको अगर बढ़ाना है अपना आंसर, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये आपके इसके श्लोक रहे, ठीक है। श्लोक को भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप पप्पा मार के स्ट्रोक्स को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट करिए, और मिलते हैं अगली ड्रग के साथ ऐसे ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो